मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म में उनकी हीरोइन कटरीना कैफ ने आमिर और प्रभुदेवा के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी। अब आमिर ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी ख्वाहिश जाहिर की है। पिछले कई सालों से आमिर खान महाभारत पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर करते रहे हैं। महाभारत में वो कृष्ण का किरदार निभाना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने में आमिर को डर भी लगता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपने रोल के साथ पूरा न्याय करना चाहते हैं। महाभारत में कृष्ण के रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इसी वजह से वो इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से सोच रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद लग रहा है कि आमिर की ये सालों की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। एक वेबसाइट के मुताबिक आमिर खान की महत्वाकांक्षी फिल्म महाभारत पर काम शुरू हो गया है। यही नहीं, फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। इस फिल्म को 5 भागों में बनाया जाएगा, यानी आने वाले 10 सालों तक आमिर इसी फिल्म पर काम करेंगे। सभी फिल्मों का निर्देशन सीक्रेट सुपरस्टार के निर्देशक अद्वैत चंदन करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि आमिर एक बार में एक ही फिल्म करते हैं। किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले वो अपने किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। कृष्ण के रोल के लिए भी उन्हें फिजिकली काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो महाभारत के निर्माण में जुटे तो एक फिल्म को 2 साल देंगे, जिससे आने वाले 10 साल तक आमिर केवल महाभारत फिल्म पर ही काम करेंगे। आमिर की आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ ही कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य कर रहे हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।